योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति, नियमित योग से हो जीवन में सुख शांति। सर्वप्रथम मैं आन्या मिनोचा, विद्यार्थी सेंट मेरीज एकेडमी सहारनपुर, अपनी प्रधानाचार्य सिस्टर ऑगस्टीन मेरी फ्रांसिस, मैनेजर फादर मैथ्यू की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत भारत सरकार द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग गीत की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। तन मन जीवन चलो सुधारें, योग मार्ग अपनाएं, वैर भाव को त्यागे सभी हम गीत मिलन के गाएं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चेतना से मिलन। योग केवल एक अभ्यास नहीं, योग जीवन का सार है। योग हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति और ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक वरदान है, जिसे पूरी दुनिया में पहुंचाने का गौरव हमारे देश को प्राप्त हुआ है। योग भारत की एक प्राचीन कला है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले भारत में हुई थी। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रकार है, जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में भी संतुलन बनाया जाता है। योग एक्सरसाइज और फिजिकल मूवमेंट न केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, बल्कि मन को फिट रखने के लिए भी अहम है। योग के 84 आसनों में हर आसन अपने आप में पूर्ण है, परंतु सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य की पूजा अर्चना करते थे। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूर्य को नमन, यानी सन सैल्यूटेशन। अगर आप योग की शुरुआत कर ही रहे हैं तो उसके लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे बेहतर है, क्योंकि ये आपको एक साथ 12 योग आसनों का फायदा देता है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रणाम आसन, अस्त उत्तानासन, हस्त पादासन, अश्व संचालन आसन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, शवासन, अश्व संचालन आसन, हस्त पादासन, हस्त उत्तानासन और प्रणाम आसन होते हैं। तो चलो आओ आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि योग आसन को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाएंगे। आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि योग आसन की किरणों को और लोगों तक पहुंचाएंगे। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।